जेम्स रीस अपने मिशन के बारे में कुछ बताएंगे? अब उन्हें पता था हम आएंगे। ऑडियो के हिसाब से आपने 4 किलोमीटर बाद कम्युनिकेशंस बंद कर दिए, क्यों? वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एवरीवन, माय नेम नीरज एंड यू आर वाचिंग नीरी व्यू पॉइंट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेजन प्राइम की कुछ ऐसी टॉप 10 वेब सीरीज के बारे में जिनमें आपको एक्शन, थ्रिल, कॉमेडी, ड्रामा, साइंस फिक्शन, थिंग सब कुछ भर भर कर देखने के लिए मिलेंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इनमें से 99% आपको वेब सीरीज हिंदी में ही देखने के लिए मिल जाएंगी, जो कि एक बहुत ही बेहतर बात है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी वीडियो की ओर। टेस्ट करो, इसके लिए पैसे भी बहुत मिल रहे हैं। बस लेट जाओ, आंखें बंद करो। बस करो। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छी वेब सीरीज के साथ जिसका नाम है द फेरी फेल। फेरी फेल वेब सीरीज की बात कर तो इस वेब सीरीज को 2022 में रिलीज किया गया था और ये साइंस फिक्शन से भरी हुई वेब सीरीज है जिसका आपको एक ही सीजन देखने के लिए मिलेगा। अगर हम शो की IMDb की बात करें वो आपको 7.6 के आसपास मिल जाएगी, जो कि इस शो को बिंज वॉच बनाने के लिए काफ़ी है। अगर हम शो के प्लॉट की बात करें तो शो का प्लॉट फॉलो करता है, यहाँ पर आपको फ्यूचर देखने के लिए मिलेगा, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलेगी जिसने सोसाइटी को पूरी तरह से ऑल्टर कर दिया है। और यहाँ पर आपको एक और वूमे देखने के लिए मिलेगी अपनी साथियों के साथ, जो कि अल्टरनेट कनेक्शन फाइंड आउट करती है रियलिटी के साथ। अब उसके साथ एक डार्क फ्यूचर निकल के आता है, अब उससे वो निकल पाते हैं, क्या क्या थिंग्स होती हैं जी आपको शो में खुद देखना होगा। थ्रिलर, ड्रामा, साइंस फिक्शन, थिंग्स से भरा हुआ जो शो, आप इस शो को जाकर इन्जॉय कर सकते हो प्राइम वीडियो पर। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में शो आने वाला है, उस शो का नाम है स्किन। स्किन शो की बात करते इसको आपको काफ़ी सारे सीजन्स देखने के लिए मिलेंगे और एक टीवी सीरीज़ है। अगर हम शो के प्लॉट की बात करें तो शो का प्लॉट फॉलो करता है, यहाँ पर आपको ग्रुप ऑफ टीनेजर्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि अपनी ही सेक्सुअलिटी के ऊपर सवाल उठाते हैं। अब उससे आगे थिंग्स में क्या होता है, क्या क्या क्वेश्चन उठते हैं, क्या वो अपने लव को फाइंड आउट कर पाते हैं, क्या वो सही तरह जी पाते हैं, जी आपको शो में खुद देखना होगा। इस शो में आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी देखने के लिए मिलेंगी जो कि आपके टीने से रिलेटेड होंगी, तो आप इस शो को जाकर इन्जॉय कर सकते हो स्किन्स को। में सीरीज आने वाली है, उस सीरीज का नाम है मॉडर्न लव। मॉडर्न लव शो की बात करते हैं, इस सीरीज को 2019 में रिलीज करना स्टार्ट किया गया था जिसके आपको टोटल 2 सीजन देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम शो के प्लॉट की बात करते हैं, शो का प्लॉट फॉलो करता है, यहाँ पर आपको कुछ पर्सन देखने के लिए मिलेंगे, कुछ कपल्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि अपने लव को फाइंड आउट करते हैं मल्टीट्यूड डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे कि सेक्सुअलिटी, रोमांटिक, फैमिलियल और अलग अलग तरह सेल्फ लव में। अब वो किस तरह से इन चीज़ों को करते हैं और क्या क्या दिक्कत आती हैं जी आपको शो को खुद देखने के लिए मिलेगा। इस शो की सबसे अच्छी बात क्या है, ये शो आपको खुद थोड़ा थोड़ा सा अपनी लाइफ से रिलेट होता हुआ दिखाई देगा, तो आप इस शो को जाके एंजॉय कर सकते हो मॉडर्न लव को। This isn't a sex injury. I mean, not a weird one. Hey, why are you still talking, Rob? I don't know. Love is trust, and you broke it. I don't love him. Totally my dad. इस शो आने वाला है, उस शो का नाम है जंगल। जंगल शो की बात कर तो इस शो को 2022 में रिलीज किया गया है जिसका आपको 1 सीजन देखने के लिए मिलेगा। अगर हम शो की IMDb की बात करें वो आपको 4.9 देखने के लिए मिलेगी। शो की IMDb काफ़ी कम है, स्टोरी का प्लॉट काफ़ी स्लो है। अगर आपको कुछ ऐसे सेमी साइंस फिक्शनल शोज पसंद हैं तो आप इस शो को जाके देख सकते हो। अगर हम शो के प्लॉट की बात करें तो शो का प्लॉट फॉलो करता है, यहाँ पर आपको 2 स्ट्रेंजर्स देखने के लिए मिलेंगे जिनकी सेपरेट लाइफ है, लेकिन किस तरह से वो एक कनेक्टेड लाइफ्स को जीते हैं और उनकी थिंग्स क्या क्या होती हैं, क्या क्या चीज़ें बीच में आती हैं जी आपको खुद देखना होगा। शो ठीक ठाक सा शो है, मतलब वन टाइम वॉच जो शो है, तो आप इस शो को जाके एंजॉय कर सकते हो जंगल को। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में शो आने वाला है, उस शो का नाम है द हाई स्कूल। हाई स्कूल शो की बात करते हैं, ये शो आपको काफ़ी बुरी तरह से हिट करेगा। और अगर हम शो के प्लॉट की बात करें तो शो का प्लॉट फॉलो करता है, यहाँ पर आपको एक टीनेजर की जर्नी देखने के लिए मिलेगी जो कि अपने आप की आइडेंटिटी को ही खोजने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हो रखी है उसकी लाइफ। और दूसरी ओर ये और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब आपके पास अपना ट्विन व्यू हो, और किस तरह से उन दोनों की लाइफ आप में स्ट्रगल करती है और क्या क्या चीज़ें होती हैं जी आपको खुद देखना होगा। और ये शो सीरियसली बहुत अच्छा है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आपको एक बार जाके ये शो जरूर देखना चाहिए। और आई थिंक इट्स बेटर हैविंग इट बी आवर सीक्रेट। टोटली। टुडे इज द ग्रेटेस्ट डे आई हैव एवर नोन। तो मुझे सीरीज़ आने वाली है, उस सीरीज़ का नाम है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस सीरीज़ को 2022 में रिलीज किया गया था जिसका आपको 1 सीजन देखने के लिए मिलेगा। और अगर हम शो के प्लॉट की बात करें, शो का प्लॉट फॉलो करता है, यहाँ पर आपको एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट देखने के लिए मिलेगी बारबरा, जो कि अपनी लाइफ को एक नॉर्मल सी जिंदगी जी रही है और किस तरह से वो एक वायलेंट से क्राइम का विक्टिम बन जाती है, किडनैपिंग के जाल में फंस जाती है, जी आपको शो में देखने के लिए मिलेगा। शो बाकी में बहुत बढ़िया है, तो आप इस शो को जाके देख सकते हो। और इस शो में आपको काफ़ी 18+ थिंग्स देखने के लिए मिलेंगी, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस शो को अकेले में ही देखें।
नेक्स्ट हमारे लिस्ट में सीरीज आने वाली है, उस सीरीज का नाम है UFO। जैसा इसका नाम है वैसा ही सीरीज का प्लॉट है। अगर हम शो के प्लॉट की बात करते हैं, शो का प्लॉट फॉलो करता है, यहाँ पर आपको टॉप सीक्रेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलेगी जो कि अर्थ को प्रोटेक्ट करती है एलियन थ्रेट से। और इसमें आपको एक क्लासिक टच देखने के लिए मिलेगा, ये एक साइंस फिक्शन सीरीज है, तो आप इस शो को जाकर डेफिनेटली इंजॉय कर सकते हो UFO को। लिस्ट में शो आने वाला है वो मेरा खुद का फेवरेट शो है, और शो का नाम है द वॉइस। द वॉइस शो को 2019 में रिलीज किया गया था, जिसके आपको टोटल 3 सीजन देखने के लिए मिलेंगे। और सीरियसली भाई, इस शो की जो हिंदी डबिंग है वो एक अनदर लेवल की। अगर हम शो की IMDb की बात करें, वो आपको 8.7 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर हम शो के प्लॉट की बात करते हैं, जहाँ पर सुपर हीरोज विलन बन चुके हैं और जो इंसान है नॉर्मल से, वो किस तरह से उसके अगेंस्ट लड़ते हैं, जी आपको शो में देखने के लिए मिलेगा। इस शो पे बहुत कुछ है, स्पेशली इस शो को आप अगर हिंदी में डबिंग में देखते हो तो आपको अनदर लेवल की वाइब आएगी। तो इस शो के बारे में कुछ भी बताना, स्पॉयलर्स कम नहीं है। ड्रामा, सुपर हीरो फिक्शन, डार्क कॉमेडी, एक्शन फिक्शन, सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो आप इस शो को जाकर इंजॉय कर सकते हो। तरीका सही था, अब बस हम ही बचे, हमें ही संभालना होगा, शायद तुम्हारे काम आ जाए। तो पहली बार खून का बदला खून से लिया मैंने। मैंने लोगों को हमारे लिस्ट में शो आने वाला है, उस शो का नाम है पैराडाइज। पैराडाइज शो की बात कर तो इस शो को अभी हाल ही में रिलीज किया गया है, जिसका आपको एक सीजन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको एक कोल्ड ब्लड फैमिली देखने के लिए मिलेगी जो कि लोगों का खून करती है, मर्डर करती है, और किस तरह से उन्होंने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। और जहाँ पर हमें एक पर्सन देखने के लिए मिलेगा, डिटेक्टिव देखने के लिए मिलेगा, स्पाई, जो कि इनको खोजता है और किस तरह से सबको एक नई लाइफ में लेके आता है। और इससे आगे शो में क्या होता है, जी आपको खुद देखना मिलेगा। अगर हम शो की IMDb की बात करें, वो आपको 7 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि एक शो को खास बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट में लिस्ट में शो आने वाला है, उस शो का नाम है द टर्मिनल लिस्ट। द टर्मिनल लिस्ट शो की बात करें, एक्शन फिक्शन सीरीज है, जिसके आपको टोटल एक सीजन देखने के लिए मिलेगा। और इस सीजन को 2022 में ही रिलीज किया गया है। अगर हम शो की IMDb की बात करें, तो IMDb बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगी, 4 के आसपास। और अगर हम शो के प्लॉट की बात करें, तो शो का प्लॉट फॉलो करता है, जहां पर आपको जेम्स रीस नाम का एक पर्सन देखने के लिए मिलेगा, जो कि नेवी में है, और दूसरी ओर वो नेवी से वापस आता है, और जहां पर उसको कुछ डार्क फोर्सेस देखने के लिए मिलती हैं, जो कि उसके अगेंस्ट काम कर रही हैं, जो कि उसके लव्ड वंस को हंट करना चाहती हैं। अब उनसे किस तरह से उनको प्रोटेक्ट करता है, आगे क्या क्या होता है, जी आपको शो में खुद देखना होगा। जेम्स रीस अपने मिशन के बारे में कुछ बताएंगे? अब उन्हें पता था हम आएंगे। ऑडियो के हिसाब से आपने 4 किलोमीटर बाद कम्युनिकेशंस बंद कर दिए, क्यों? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और आप सबके लिए कुछ ऐसे टॉप 10 शोज Amazon Prime के, जो कि आपको एक बार जाके जरूर देखने चाहिए। इनमें से स्किन्स, मॉडर्न लव और द बॉयज कुछ ऐसे शोज हैं जो कि आपको सीट की एज पर रखेंगे। तो आप इन शोज को जाके एंजॉय कर सकते हो। आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो।